कटनी जिले के बरही थाना क्षेत्र फॉरेस्ट कॉलोनी निवासी आरती बड़गैया नामक महिला की एक दिन पहले हुई मौत के मामले में अचानक महिला के परिजन और कई ग्रामीण बरही सरकारी अस्पताल में घुस गए और वहां पदस्थ बीएमओ डॉक्टर राममणि पटेल के साथ मारपीट की। भारी संख्या में ग्रामीण सरकारी अस्पताल में एकत्र हो गए और डॉक्टर को केबिन से निकालकर मारपीट शुरू कर दी। आक्रोशित जनता का हुजूम देखकर डॉक्टर राममणि पटेल अस्पताल की छत पर चढ़ गए और हंगामे का ये वीडियो वायरल हो गया। दरअसल एक दिन पहले बरही नगर के फॉरेस्ट कॉलोनी निवासी आरती बड़गैया का शव उनके ही घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला था और इस मामले में मृतका आरती की बेटी ने भी यह बताया था कि पिछली रात को उनके पिता ऋषि बड़गैया और उनकी मृतका मां आरती बड़गैया के बीच जमकर विवाद हुआ था और सुबह होते ही उनकी माँ फांसी के फंदे में झूल गई थी और उसके पिता ने ही माँ आरती को फांसी से उतार कर बरही स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे। वहीं महिला के मायके पक्ष के लोग और ग्रामीण भी पहुंच गए, लेकिन जब आरती के पति ऋषि बड़गैया जो कि रिटायर्ड फौजी हैं उनके द्वारा असंतुष्ट जवाब दिया गया तो विवाद और भी बढ़ गया और उसके बाद परिजनों ने ऋषि बड़गैया की पिटाई कर दी। घटनाक्रम हुई कल रात को। कैसे, किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? अच्छा, तो फांसी पापा ने लगाया, किस बात को लेके? मोहल्ले की बात। कितने बजे घटना थी? 9:30 से 11:00। हॉस्पिटल कौन लाया मम्मी को? मैं और पापा। आप क्या कर रहे थे उस समय? वहीं कटनी पुलिस कप्तान सुनील जैन ने बताया कि कल की घटना पर आरोपी के खिलाफ उसकी बेटी के बयान के आधार पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। डॉक्टर के साथ हुई झड़प को लेकर डॉक्टर रिपोर्ट करते हैं तो जिन लोगों ने हाथापाई की है उनके विरुद्ध भी मामला दर्ज किया जाएगा। बरही थाना के अंतर्गत एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। महिला की बच्चियों का कहना है कि उनके पिता के द्वारा उनको मारकर लटकाया गया है। बच्चियों के कथनों के आधार पर प्रथम दृष्टया धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई विवेचना में आए हुए तथ्यों के अनुसार की जाएगी। सर, वो बीएमओ को भी मारे हैं? बीएमओ के साथ अगर कोई बदतमीजी हुई है तो बीएमओ भी आगे अगर एफआईआर कराएंगे तो हम बिल्कुल तत्काल अपराध पंजीबद्ध करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, और एक और अपने बाकल में भी सरपंच पति द्वारा विद्युत विभाग के कर्मचारियों को गाली गलौज की गई है।